राजस्थान के बाणा छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोखमपुरा के GSS ग्रेड पर बिजली की समस्याओं को लेकर कई गांव के ग्रामीणों ने धरना दिया। इस दौरान अमित मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए किसानों को सरकार द्वारा रात में 3 पेज बिजली दी जा रही है, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने बिजली की समस्याओं को लेकर दिन में बिजली देने की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिस दौरान मौके पर पहुंचे संबंधित विभागीय अधिकारियों की समझाइश करने पर भी वे नहीं माने और रात्रि को भी रात भर धरने पर बैठे रहे। किसान मंगलवार सुबह जल्द ही सहायक अभियंता खेमराज नागर AEN ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्तालाप कर किसानों को बुधवार से सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक और 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक दोपहर में 2 फीडर 3 पेज बिजली दिए जाने का आश्वासन दिया। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ डीवी भारती न्यूज। आज हमें ग्राम पंचायत मोखमपुरा के जो GSS है, यहाँ के जो लोग हैं, जो किसान हैं यहाँ के, उन किसानों की क्या समस्या है। और आज हमारे साथ कई किसान भाई है जो यहाँ कल से ही धरने पे बैठे हैं। रात को भी आप लोग यहीं पे रात को भी क्या मांगे आपकी? क्यों हमारी मांग है कि रात को 11 बजे से और सुबह 4 बजे तक 3 पेज दिए जा रहे हैं, उसको दिन में दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। इनकी मांग दिन में बिजली चलाने की थी, जिसको हम संभवतः पूरी कर देंगे और अभी कोशिश कर रहे हैं इनको चलाने की और ये चला दिए। और एक इनके लाइन में इनकी मांग है और लाइन में इनकी भी आने वाले 15 दिन में हम इनके यहाँ अलग से लगेंगे। सब इनके जैसे एक और है कि जैसे इसकी चार दीवारी या व्यवस्थाएं जो भी है, हाँ ये क्या बाउंड्री टूटी हुई है, इसके लिए सिविल वालों को पूर्व में भी मैं देख चुका हूँ और इसको भी जल्दी से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।